दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 10 उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। थिंक टैंक बोल रहा है, थिंक टैंक एलिमेंट्री यानी बहुत ही सरल बात है। तो माय डियर ओमेगा, मेरे प्रिय ओमेगा, बहुत सरल है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, कि ये जो आइटम आपको यहाँ पर मिले हैं उनको ऊपर उठाकर ऊपर उठाओ, सो दैट जिससे आई मे व्यू इट क्लोजली, जिससे मैं इसको नज़दीकी से देख सकूँ। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ के ऊपर ओमेगा एक किताब को उठाता है। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो पृथ्वी के जो है ना क्रिएचर प्राणी, आर ऑलवेज ईटिंग, वो हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड यूर सेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। द प्लेस इन विच यू फाइंड यूर सेल्फ, वह स्थान जहाँ तुम अपने आप को पाते हो, इज अनडाउट ए क्रूड वो अपरिष्कृत रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी स्टैंड यानी केंद्र है, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता करने का। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ओमेगा बोल रहा है आयोटा और ऊप से। ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम एक नाश्ता गृह में है। ऊप वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, ऊप बोल रहा है कि ये जो पृथ्वी के निवासी हैं निश्चित रूप से अजीब सी डाइट लेते हैं ये तो। थिंक टैंक बोल रहा है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, कि तुम्हारे हाथ में जो ये आइटम है ना ये सैंडविच कहलाता है। ओमेगा नोडिंग सिर हिलाते हुए, ये सैंडविच कि सैंडविच है, आयोटा बोल रहा है ये भी नोडिंग करता हुआ बोल रहा है सैंडविच। वो बोल रहा है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपने सिर पर से वो किताब को लेते हुए बोल रहा है ये सैंडविच कि सैंडविच है। थिंक टैंक बोल रहा है सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, थिंक टैंक बता रहा है कि ये जो अर्थ की डाइट है यानी पृथ्वी पर जो लोग भोजन करते हैं ना, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल, सैंडविच उसका मुख्य स्टेपल है, तत्व है। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यानपूर्वक देखो। ओमेगा स्क्विंट्स ए बुक, ओमेगा एक किताब पर तिरछी नज़र डालता है, स्क्विंट्स का मतलब तिरछी नज़र डाल। देर आर टू स्लाइसेस ऑफ वाट इज कॉल्ड ब्रेड, कि यहाँ पर दो टुकड़े हैं जिनको हम ब्रेड कहते हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उन दोनों के बीच में कोई वो है भरावन है यानी भरा हुआ चीज़ है, यानी दोनों जो मोटे जिल्द हैं उनको ब्रेड बोल रहा है और पृष्ठों को बोल रहा है कि ये भरने की चीज़ है, इनके अंदर फीलिंग है। ओमेगा बोल रहा है दैट इज़ करेक्ट सर, कहाँ श्रीमान ये बिल्कुल सही है। थिंक टैंक बोल रहा है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, ईट इट, ये जो मेरा विचार है इसको कन्फर्म करने के लिए आई ऑर्डर यू, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ टू ईट इट, इसको खाने का। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, ओमेगा बोल रहा है कि इसको खाऊं। थिंक टैंक बोल रहा है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुमको थिंक टैंक के ऊपर शक है। ओमेगा बोला ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, कि ये जो बेचारा लेफ्टिनेंट आयोटा है ना, इन्होंने अपना लंच वो ब्रेकफास्ट नहीं किया है।
लेफ्टिनेंट आइटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। अब ये ओमेगा लेफ्टिनेंट आइटा को ऑर्डर दे रहा है इसको खाने का। दिस सैंडविच, इस सैंडविच को खाओ। आयोटा बोल रहा है डूबियसली यानी संदेह करते हुए, ईट इट, इसको खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कप्तान, इट इज ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। किस सैंडविच खाना, मार्सवासी के लिए ये महान ऑनर है, सम्मान की बात है। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, कि मैं इतना अविनम्र कैसे हो सकता हूँ। एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, मेरे सर्जेंट से पहले मैं खा लूँ, मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ। हैंडिंग ओव द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, किताब को ऊप को देते हुए और ये कहते हुए, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू, मैं तुमको आदेश देता हूँ टू ईट द सैंडविच इमिडिएटली, इस सैंडविच को तुरंत खाने का आदेश देता हूँ। ऊप मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी, मैं लेफ्टिनेंट यानी पर्सन वाचक, मैं खाऊँ। आयोटा एंड ओमेगा दोनों बोल रहे हैं सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ओ मार्स के निवासियों की प्रसिद्धि के लिए, ओ यस ऑफ कोर्स, कहा निश्चित रूप से, अनहैप्पीली नाखुश होते हुए, इमीडिएटली तुरंत, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपने मुँह को पूरा चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वाच हिम ब्रेथलेसली, श्वास थाम करके ओमेगा और आयोटा उसको देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के एक कोने पर वो बाइट करता है यानी काटता है मुंह से। एंड पेंटोमाइम्स चीविंग एंड स्वालोइंग, और पेंटोमाइज करता है यानी मुंह का अभिनय करता है चबाने का और उनको घिटकने का। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, और भयंकर भयानक चेहरा बना रहा है। ओमेगा बोल रहा है वेल ऊप, कि ठीक हो ऊप। वाइटा बोला वेल ऊप, ऊप कफ्स, और ऊप को खांसी आती है। ओमेगा एंड आयटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को पाउंड करते हैं यानी थपथपाते हैं दोनों। थिंक टैंक बोल रहा है वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, सर्जेंट ऊप, क्या ये डिलीशियस नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। ऊप बोल रहा है सैल्यूटिंग, उसको सैल्यूट करता हुआ, दैट इज करेक्ट सर, कहाँ श्रीमान, ये सही बात है, ये स्वादिष्ट नहीं है। इट वाज नॉट डिलीशियस, ये डिलीशियस नहीं थी। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट those sandwiches down without water, मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी के निवासी बिना पानी की सहायता कि इनको कैसे नीचे ले लेते हैं यानी कैसे खा जाते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, कि अपने मंगल ग्रह पर जो वो है ना धूल, उसकी जितनी ये सूखी है सैंडविच। नूडल बोला सर, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इंटू माई माइंड अबाउट दो सैंडविचेज। नूडल बोल रहा है कि थिंक टैंक से, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इंटू माई माइंड, कि मेरे दिमाग के अंदर इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन बिट ऑफ डेटा, थोड़ा तथ्य फ्लोटेड यानी तैर रहा है, अबाउट दिस सैंडविचेज, इन सैंडविचों के बारे में मेरे दिमाग में कोई बात आई है। थिंक टैंक बोल रहा है इट कैन नॉट बी वर्थ मच, कि जो तुम्हारा विचार है ना ज़्यादा महत्व का नहीं हो सकता, बट गो एड, फिर भी बढ़ो आगे यानी बोलो। गिव अस योर थ्रिपलिंग बिट ऑफ डेटा, कि जो तुम्हारा ये डेटा है ना तुम्हारे दिमाग में वो हमको बताओ। नूडल बोल रहा है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज, कि मैंने इन सैंडविचों की सर्वेक्षण फिल्में देखी है।
आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम। मैंने ध्यान दिया था कि पृथ्वी के निवासी इनको खाते नहीं हैं। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज। वो संपर्क स्थापित करने के यंत्रों के रूप में इसको काम में लेते हैं। थिंक टैंक हॉटिंगली, नेचुरली स्वाभाविक है, हॉटिंगली यानी थोड़ा जिद्दीपन से, गर्व से। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, कि ये खाने की नहीं है, ये संपर्क साधने की सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन नहीं हो सकता गलत। ऑल यानी तीनों बोल रहे हैं सैल्यूट करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक, जो महान थिंक टैंक है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। बिफोर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुमको आदेश दूं ना, देयरफॉर इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ उनको सुनने का।